Hello students in this video i will discuss some important questions of the first chapter first question is arrange the following in order of increasing density air exhaust from chimneys honey water chalk cotton and iron as we know density equals to mass per volume therefore air will have a uh, वेरी लेस वॉल्यूम वेरी लेस डेंसिटी एंड देन एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीस जिस धुआँ जिस जो है उसका थोड़ा डेंसिटी ज़्यादा होगा उससे ज़्यादा कॉटन का होगा एंड देन वाटर फिर हनी चौक एंड देन आयरन आयरन विल हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेबलेट द डिफरेंसेज इन द कैरेक्ट्रिक ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर तो मैटर के थ्री स्टेट्स के बीच डिफरेंस लिखेंगे फर्स्ट वी टेबलेट इन थ्री पार्ट्स फर्स्ट इज सॉलिड लिक्विड एंड गैस द फर्स्ट पॉइंट इज पार्टिकल्स आर रिजिड एंड अनकंप्रेसिबल। पार्टिकल्स रिजिड सॉलिड्स रिजिड होते हैं एंड उसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता बट लिक्विड रिजिड नहीं होते हैं और उनको कुछ एक्सटेंट uh, तक कंप्रेस किया जा सकता है गैस जो होते हैं गैस पार्टिकल्स आर नॉट एट ऑल रिजिड वो रिजिड होते नहीं है और कंप्रेस्ड हो सकते हैं इजीली इजीली कंप्रेस्ड होता है गैस नेक्स्ट पॉइंट इज सॉलिड्स प्रोसेस आर डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम बट लिक्विड्स हैव ओनली डेफिनेट वॉल्यूम बट डू नॉट एक्वायर एनी नॉट हैव एनी शेप डू नॉट हैव एनी सर्टेन शेप फिक्स शेप नहीं होता है. लिक्विड्स को किसी भी कंटेनर में डाल देते हैं वो उसी का शेप ले लेता है और गैस का ना तो डेफिनेट शेप है ना ही वॉल्यूम डेफिनेट वॉल्यूम है थर्ड पॉइंट इज सॉलिड्स डोंट हैव एबिलिटी टू फ्लो सॉलिड फ्लो नहीं कर पाता लिक बट लिक्विड कैन फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल एंड गैस कैन फ्लो इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शंस ऑल द डायरेक्शंस एग्जाम्पल फॉर सॉलिड्स आर सॉल्ट शुगर चौक गोल्ड सिल्वर एट्सेट्रा एंड एग्जांपल लिक्विड्स आर वाटर अल्कोहल डीजल पेट्रोल एट्सेट्रा एंड एग्जांपल्स ऑफ गैसेज आर एयर सीन स्मोक एट्सेट्रा क्लियर नाउ गिव रीजंस फर्स्ट गैस फील्स कंप्लीटली द वैसल्स इन इट इट इज कैप्ट एक गैस जो होता है वो किसी वैसल में रखने पर वो पूरे वैसल का पूरे वैसेल को फिल कर देता है कंप्लीटली ऐसा क्यों तो इसका सॉल्यूशन में रीजन में देखेंगे कि सिंस दैट एट्रैक्शन फोर्स सिंस द एट्रैक्शन ऑफ फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल एंड दैट इज एक्सट्रीमी लेस हैं पार्टिकल्स फ्रीली मूव फ्रो और फ्लो इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन एज अ रिजल्ट गैस फील्स कंप्लीटली द वैसेल्स इन विच इट इज केप्ड गैसेस के पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है नेग्लिजिबल है ना के बराबर है और इसी वजह से पार्टिकल्स फ्री मूव कर पाते हैं और वो हर डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं तो इसीलिए क्या होता है वैसल में जिस वैसल में भी रखा जाता है गैस वो पूरे वैसल को फिल कर देता है क्योंकि हर कोने तक वो पार्टिकल्स जा सकता है मूव कर सकता है सेकेंड देखेंगे अ गैस एक्जर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर गैस जो होता है किसी कंटेनर के वाल पर प्रेशर एग्जर्ट करता है क्यों रीज़न तो में देखेंगे कि फ्रीली मूविंग पार्टिकल्स ऑफ गैस हिट द वॉल्स ऑफ द कंटेनर कंटिन्यूसली एंड रैंडमली दे फॉर सच रैंडम पार्ट एंड एलेक्ट्रिक मोशन ऑफ गैस पार्टिकल्स एग्जर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर तो गैस पार्टिकल्स फ्री मोशन में होते हैं और मोशन mo की वजह से वो आ, जो कंटेनर है उसके वाल पर प्रेशर एग्ज करते हैं उसी मोशन की वजह से वाल पे कॉलाइड करते हैं और प्रेशर एग्जट करते हैं नंबर सी में है अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड सॉलिड वुडन टेबल को सॉलिड क्यों कहेंगे द वुडन टेबल पार्टिकल्स आर क्वाइट रिजिट लोकेशन एंड वॉल्यूम वुडन पार्टिकल्स रिजिड होते हैं और उसका फिक्स लोकेशन होता है पार्टिकल्स का साथ ही साथ डेफिनेट शेप और वॉल्यूम भी एग्जिस्ट करता है एंड बस इसी प्रॉपर्टीज़ की वजह से हम किसी वुडन ब्लॉक को सॉलिड सब्सटेंस कहेंगे एंड नंबर डी इज़ वी कैन इजीली मूव आवर हैंड इन एयर बट डू नॉट द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कैरेटे एक्सपर्ट हम अपने हाथ को जो है हवा में फ्रीली मूव कर सकते हैं बट जैसे कोई वुडन ब्लॉक आ जाए लकड़ी का तो उसमें से हम हाथ को नहीं ऐसे घुमा सकते हैं बिकॉज एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस एंड सिंस पार्टिकल्स ऑफ गैस आर फार अपार्ट सो सेम इज़ ट्रू फॉर एयर गैस में जैसे पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं तो एयर में भी पार्टिकल्स दूर दूर रहेंगे और उसमें से हम अपने हाथ को फ्री मूव करा सकते हैं अपने हैंड को बट सॉलिड ब्लॉक में क्या होता है वुड वुडन ब्लॉक में पार्टिकल्स एक साथ रहते हैं और वो सॉलिड ब्लॉक हार्ड होता है रिजिड होता है एंड दैट्स वाई दे रेजिस्ट आवर मोशन आवर द मोशन ऑफ आवर हैंड और इसी वजह से उस वुडन ब्लॉक्स को वुडन ब्लॉक्स से अपने हाथ को हटाने की किसी कैरेटे एक्सपर्ट की जरूरत होगी चाहे इसी कैरेटे वाला कैरेटे मैन क्या करे उसको तोड़ देगा हम करने जाएंगे हमारे हाथ फ्रैक्चर हो सकते हैं ओके क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे a hot dry day means that the temperature of the atmosphere is high and humidity of air is low and these both these factors increase the rate of evaporation humidity ka low hona or uh, temperature ka high hona ye factor kya evaporation ki rate rate ko and if uh, there is increase in evaporation and therefore increase in cooling effect next question is how does the water kept in an earthen pot become cool during summer summer day mein matka cool kyun lagta hai? So, during summer the water present on the surface of the earthen pot evaporates which causes the cooling effect and besides earthen pot bears pores on it हैंस एवेपोरेशन ऑफर्स कॉन्टीन्यूसली एंड सो अ लार्ज अमाउंट ऑफ कूलिंग इज़ प्रोड्यूस्ड अर्थन पॉट जो होते हैं उनके छोटे 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 पोर्ट्स होते हैं छेद्री से क्या होता है एवेपोरेशन का रेट भी ज़्यादा होता है और वाटर सरफेस जो होता है उससे भी एवेपोरेशन होता है ओवरऑल यानी हर तरफ से क्या होगा एवेपोरेशन का रेट जो है ज़्यादा होता है और इसी वजह से अर्थन पॉट भी कूल लगता है नेक्स्ट क्वेश्चन वाई डज़ आवर पाम फील कोल्ड वेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट तो पेट्रोल एसीटोन और परफ्यूम को हाथ में लेने से कूल लगता है ऐसा क्यों सम लिक्विड्स गेट क्विकली वेपोराइज सम लिक्विड्स गेट क्विकली वेपोराइज एंड दे आर कॉल्ड वोलर लिक्विड्स उन्हें वोलर लिक्विड्स कहेंगे एसिटोन पेट्रोल एंड परफ्यूम आर ऑल्सो वोलाटाइल लिक्विड्स एंड देर फॉर दे गेट हीट फ्राम आवर फॉम एंड कॉस कोलिंग ये एसिटोन पेट्रोल और परफ्यूम जो है हमारे हाथों से हीट लेता है और इस वजह से हाथों से कुछ एनर्जी रिलीज होता है और कूलिंग इफेक्ट होता है क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क

फॉर इवेपोरेशन टू वकअप फास्टर इवेपोरेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टी और मिल्क अलाउज कूलिंग एंड टेकिंग एसिव बिकम्स ईजियर सॉसर में सरफेस एरिया ज़्यादा की वजह से उसमें इवेपोरेशन ज़्यादा होगा और इवेपोरेशन ज़्यादा होने की वजह से कूलिंग इफेक्ट्स जल्दी होगा और हमारे लिए सिव करना ईजियर होगा क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन वाइट वट टाइप ऑफ क्लॉथ्स शुड यू वेयर इन समर समर में किस टाइप का क्लॉथ पहनना चाहिए मैं तो कॉटन इज ए गुड एबजॉर्बेंट ऑफ वाटर हैंड्स इट एब्जॉर्ब स्वीट क्वाइट क्वाइट वेल एंड पोर्स इन द फैब्रिक एक्सपोज दैट स्वीट टू इज एपोरेजी एपरेशन हैंड्स वी शुड प्रफर वेयरिंग कॉटन क्लॉथ्स इन समर कॉटन गुड एब्जॉर्बेंट होता है जो कि स्वेट को ईजिली एब्जॉर्ब कर लेता है और अपने पोर्स में फैब्रिक फेबरिक में क्या होता है फैब्रिक के छोटे इस पोर्स में एक्सपोज हो जाता है और इजीली इवेपोरेशन हो पाता है और इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग कूलिंग फील होता है क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्शन ऑफ टेम्परेचर टू कैलवीन स्केल

ट्वेंटी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड है तो सिंपली उसमें टू हंड्रेड सेवेंटी थ्री कर देना है तो ट्वेंटी फाइव में टू सेवेंटी थ्री एड कर में ट्वेंटी टू नाइन्टी एट कैलविन आ गया थ्री हंड्रेड सेवेंटी थ्री डिग्री में फिर टू हंड्रेड सेवेंटी थ्री कर देंगे तो जो भी आएगा सिक्स हंड्रेड फोर्टी सिक्स ये आपका कैलविन में आ जाएगा क्लियर नेक्स्ट गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस फर्स्ट इज नेपथ्थोलिन बॉल्स डिजेपियर विथ टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड नेप्थोलिन को अगर हम खुले छोड़ देंगे तो जरा सा भी सॉलिड नहीं बचेगा सब डिजेपियर हो जाएगा यानी वेनिश हो जाएगा गायब ही हो जाएगा ऐसा क्यों देखेंगे आंसर में कि सम सब्सटेंसेस पॉसेस द प्रॉपर्टी ऑफ सब्लिमेशन लाइक कैम्फो एंड नैप्थोलिन बॉल्स सच हैच सबस्टांसिस डायरेक्टली चेंज फ्रॉम सॉलिड टू गैसेज स्टेट विदाउट चेंजिंग इन टू लिक्विड लाइक आइस वाटर लाइक आइस वाटर वेपर डेफोर नैप्थोलिन बॉल्स डिज एपियर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड तो नैप्थोलिन बॉल्स और ये का कैंफर जो होता है ये सब्लिमेशन प्रोसेस शो करता है आप सब्लीमेशन डिस्कस कर चुके हैं कि सब्लीमेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें Uh, कोई सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड नहीं बनता है तो जैसे ही उसको ओपन एक्सपोज होता है कैम्फर या नेथलिन बॉल्स अपने आप में क्या होता है गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो कुछ कुछ देर बाद अगर उसको देखते हैं तो कुछ भी मैंने ता, टाइम के साथ वो पूरा वेप वेपराइज हो जाता है और थोड़ा सा भी सॉलिड पार्ट नहीं बचता है नेक्स्ट क्वेश्चन गिव रीजन वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे दूर तक बैठने पर भी हमें परफ्यूम का स्मेल आता है वाई तो सॉल्यूशन में देखेंगे कि बिंग अ वोलाटाइल सब्सटांस वोलाटाइल सब्सटांस मीन्स जो कि ईजिली इवेपोरेट हो जाता है परफ्यूम्स चेंज फ्रॉम लिक्विड टू गैसेसटेट वेरी फास्ट परफ्यूम्स क्या होते हैं ये वोलाटाइल सब्सटांसेस होते हैं और ये लिक्विड फेज में लिक्विड से गैसेज फेज में ईजिली चले जाते हैं तो दो पार्टिकल्स मिक्सअप विद एयर पार्टिकल्स एंड डिफ्यूज टू रीच आवर नॉस्टिल्स सच दैट वी गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम्स सिटिंग सेवल मीटर्स तो ये पार्टिकल्स जो इस परफ्यूम्स के जो पार्टिकल्स हैं ईजिली एयर में मिक्स हो जाते हैं और दूर बैठे भी हमें आसानी से मिल जाते हैं क्लियर नाउ गिव टू रीजन्स टू जस्टिफाई फर्स्ट वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड तो वी विल सी द सोल्यूशन वाटर एट रूम टेम्परेचर इज ए सॉलिड बिकॉज एट दिस टेम्परेचर फर्स्ट इट हैज़ फिक्स्ड वॉल्यूम एट रूम टेम्परेचर वाटर हैज़ ए फिक्स्ड वॉल्यूम एंड

तो उसको रीजन देखेंगे एन आयरन अल्मीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर बिकॉज दिस टेम्परेचर एट दिस टेम्परेचर इट हैज़ डेफिनेट शेप अलॉन्ग विद द फिक्स वॉल्यूम रूम टेम्परेचर पे आयरन का जो आयरन का शेप भी डेफिनेट होता है और वॉल्यूम भी साथ ही इट कैन नॉट फ्लो लाइक वाटर वाटर जैसा ये फ्लो नहीं कर पाता एंड हैंस डज नॉट प्रोसेस फ्लूडिटी वाई इज आइस एट टू हंड्रेड सेवेंटी थ्री कैल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग दैन वाटर एट द सेम टेम्परेचर टू हंड्रेड सेवेंटी थ्री कैलविन मीन्स ज़ीरो डिग्री सेंटीग्रेड जीरो डिग्री सेंटीग्रेड में आइस जो होता है वाटर के कंप्रिजन में ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट क्यों शो करता है ऐसा इसलिए वाइल मेल्टिंग आइस वाइल मेल्टिंग आइस एव्जॉब लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग from the surroundings and gets changed into water that makes the cooling effect more intense as compared to water at the same temperature. Melting के दौरान ice जो है आसपास के heat को यानी latent heat को absorb कर लेता है जिससे आसपास cool होता है but uh, at the same temperature water ऐसा नहीं करता है clear next वाट प्रोड्यूस मोर सेवर बर्नस बॉयलिंग वाटर और स्टीम स्टीम और बॉयलिंग वाटर इनमें से किसमें ज़्यादा बर्निंग इफेक्ट होगा यानी किस में ज़्यादा uh, जलन हो सकती है तो स्टीम एट थ्री हंड्रेड सेवेंटी थ्री कैलविन मोर हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दैन बॉयलिंग वाटर एट थ्री हंड्रेड सेवेंटी थ्री कैलविन

स्टीम में क्या होता है लेटेंट हीट भी उसमें ऐड हो जाता है स्टीम एट 373 हैज मोर हीट एनर्जी एंड विच इज इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ ए वेपराइजेशन और यही वजह है कि जो वेपर है वो ज्यादा बर्निंग इफेक्ट कराता है क्लियर

उसके बाद लिक्विड से गैस देख जाएगा जो कि बी है वो होगा आपका वेपोराइजेशन अगेन गैस टू लिक्विड दैट इज सी इज कंडेंसेशन एंड लिक्विड से फिर सॉलिड बनना दैट इज़ फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन ए बी सी डी हो गया अब जब ई e को देखेंगे ई ये ई जो है वो सॉलिड से डायरेक्टली गैस बन रहा है दैट इज़ सब्लिमेशन और गैस से फिर वापस सॉलिड डायरेक्टली सॉलिड बन रहा है दैट इज ऑल्सो सब्लिमेशन एंड दैट इज़ ऑल्सो नॉन एज डिपोजिशन ऑल्सो क्लियर